हेलो। हाँ, रानी रंगीली जी बोल रही हो ना? हाँ तो ये मद्रास दीवाना और आपके जो मैटर चल रहा है मैडम, इसमें आप क्या कहना चाहोगी? क्या कहूँ मैं आपको? हाँ, ये मद्रास दीवाना के जो मैटर चल रहा है ना, ये आप ये मद्रास दीवाना को परेशान क्यों कर रहे हो? आप ऐसे बोल रहा हूँ मैं तो? आप ही इंसाफ कर दो। नहीं, ये समाज की बात है। देखो, मैं आपके हाँ तो बड़ी है ना, हम भी समाज के लिए बोल रहे हैं, पर्सनली गाले तो निकाले नहीं, तो नहीं, वो तो सही आप ही इंसाफ कर दो, आप भी समझदार लगते हो। नहीं, वो तो बात सही है आपकी, बात वो तो सही है, पर ये आपने सॉन्ग भी निकाला है अभी। सॉन्ग तो अभी का थोड़ी, ये तो 1 साल पहले का रिकॉर्ड हो गया भैया। सॉन्ग तो मैं तो आए दिन, हर दिन सॉन्ग निकलता है, आए दिन, एक दिन नहीं, छोड़ के एक दिन सॉन्ग रिलीज होता। आज मैं 3 4 करोड़ का यूट्यूब चैनल लेके बैठी हूँ, तो मनराज का ठेका थोड़ी ना ले रखा मैंने। नहीं, वो तो मैंने भी पता है कि आपने यूट्यूबर चैनल खोल रखा ठीक है, है तो ये भैया, अभी सॉन्ग तो आपने कब का सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ? और दूसरी चीज, मेरे को लोग 1 1 लाख रुपए ऑफर करते हैं, हमारा नाम का सॉन्ग गा दो, तो ही मैं नहीं गाती हूँ, तो मनराज के लिए फालतू थोड़ी ना बैठी हूँ, नहीं, और पर उसमें मैडम नाम वो किसी का थोड़ी ना, वो तो सॉन्ग है, लिरिक्स है। नहीं, वो आपकी समाज के लिए वो सॉन्ग नहीं गाया था मद्रास दीवानों ने। हमारे समाज के लिए गाया हो या नहीं गाया, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी, मेरे सॉन्ग में पर्सनली किसी का नाम नहीं है, और तुम अपने पे ले हो तो तुम्हारी इच्छा है। दूसरी, तो मेरे तो आए दिन सॉन्ग रिलीज होते हैं हर दो। हाँ जी, कौन, रानी रंगली बोल रहे हो? ठीक, हाँ जी, हाँ मैं तेजाराम गुजरपाली से बोल रहा हूँ। जी, बोलिए। हाँ, तो क्या वो आपके मनराज के क्या मैटर चल रहा है? मेरा और मनराज का नहीं भैया, भातु समाज का और मनराज का है। हाँ अच्छा, महारानी जी, मेरी बात सुनो आप। हेलो, जी, हाँ जी, बोलो। तो एक बात, को वो देवा भाई का वो सॉन्ग गाया था, मैंने भी देखा वो वीडियो, लाइव स्ट्रीम प्रोग्राम गाया था मद्रास हाँ में। हाँ 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 तो वो देवा भाई का जीजा बन के देवा भाई के साथ ने धोखा किया वो। अच्छा, तो गुज्र होता तो देवा भाई के साथ ने वो धोखा नहीं करता था, इसलिए वो मद्रास ने गाना गाया था। वो किसी के तो वो साथ, कांजरों ने कब धोखा करा आपके साथ, बताओ? अच्छा, तो वो किसी के, किसी की माँ, वो बाबू की माँ, और किसी आप समाज से रिश्ता किया होता वो देवा तो भैया भाई मेरी बात सुनो, तो से। आपको उनको ये गाना चाहिए था, गुजर की औलाद और जो भी नमक हराम उसने बोला था, उसको ये गाना चाहिए था, उस बंदे का नाम लेके गाना चाहिए था। जो बंदा था ना अगला, उसका नाम लेता, उसका बाप का नाम लेता, फिर गाता, तभी तो मूछ रहती कि वाकई में बंदे ने खुला चैलेंज गाया है। तो अरे कांजर समाज, भातो समाज ने आपके साथ कब नमक हरामी कर दी यार, जो उन्होंने ये गाया कि कांजर की औलाद नमक हराम की औलाद। भैया ये तो गलत है ना। हाँ आज जी, मैं आपके समाज के लिए ये, आप देखो, आप समझदार आदमी हो, आज अपने किसी भी समाज के लिए ऐसा गाएंगे ना, तो कोई भी समाज है वो ऑब्जेक्शन करेगी। ये बात तो आप भी समझते हो ना। सही बात। तो वो गुजर की औलाद मैडम नहीं थी, वो बाबू देवा भाई के साथ धोखा किया ना, वो गुजर की औलाद नहीं थी। गुजर की औलाद होती तो इसके वो जीजा बन के धोखा नहीं करता था। वो सही गाया था, मैं वो दीवन वो मनराज ने गाना वो वो सही गाया बात था। आपकी सही है, मैं मानती हूँ, पर अपने किसी समाज का, आज मेरे, मान लो मेरी जात वाले से मेरी कोई दुश्मनी है, तो मैं आपके समाज का नाम लेके थोड़ी गा दूंगी। आपकी समाज मुझे जीने नहीं देगी भैया। आपकी समाज तो क्या, किसी भी समाज का नाम नहीं ले सकते अपने। अपने ये कर सकते हैं कि उसका बाप का नाम ले सकते हैं, ठीक है, उसका नाम ले सकते हैं, अपने माँ बाप का नाम ले सकते हैं कि फलाना की औलाद, वो औलाद, वैसे कह सकते हैं, पर अपने किसी समाज को नहीं बोल सकते। तो देखो, अपनों ने तो गाली गलौज की भी नहीं है वीडियो में, बस यही बोला यार, देखो अपने समाज से बड़े नहीं है, अपने जनता से नहीं लड़ सकते, कुछ नहीं। आपको भी भातु समाज बहुत लाइक करती है भैया, तो एक वीडियो उनको ठेस पहुंची है तो बोल दो, अपने क्या फर्क पड़ता है, अपने के छोटे बाप के थोड़ी ना हो नहीं, जाते। आप बोल रहे हो कि मनराज मेरे समाज है, तू माफी मांग ले, वो माफी किस नहीं बात नहीं की? नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैंने रानी जी, देखो मैं खुद ही सिंगर हूँ, मैं खुद भी गाया हूँ, मैं खुद भी बिल्कुल सॉन्ग बिल्कुल, क्या अपने भातु समाज आपका। से बिलोंग करते भैया, तो अपने तो बोल, समाज ने बोला है कि हमको तो इस मैटर का ही पता नहीं था। केकड़ी थाने में, सरवाड़ थाने में मुकदमा भी हो गया था इनका, उसके हाँ, बाद मुझे पता चला कि रानी जी, भातु समाज का ऐसा कोई मैटर चल रहा है, तो मैंने वीडियो भी मंगवाया था मनराज का, मैंने सुना उसको, मैं बोला यार ये तो थोड़ा गलत है यार, ऐसे नहीं गाना चाहिए था। ठीक है, नहीं, आपके विजयनगर में क्या आपको और मनराज के साथ में प्रोग्राम हुआ था, इसलिए आपने वो बोल रहा था कि इसलिए मेरे वो रानी मेरे से भैया बोल आज रही। तक मनराज का मेरा प्रोग्राम, फेस टू फेस प्रोग्राम तो किया मैंने, फेस टू फेस उसको देखा भी नहीं, वो लगता कैसा है, सिर्फ ये यूट्यूब पे आते हैं जो जरूर देखते हैं, दूसरे मैंने उसको देखा भी नहीं, उसकी शक्ल कैसी है भैया, मैं तो जानती भी नहीं हूँ। कभी आप लाइव सर्च करो, कभी भी आपको एक साथ प्रोग्राम नहीं मिलेगा अभी तक मेरा। और आप मेरे हाँ, गांव में प्रभु जी प्रोग्राम मेरे के करके साथ, गए हमारे थे? शो होते हाँ, हैं, प्रभु जी हमारे साथ में ग्रुप में चलते हैं, प्रभु जी गुजर जानते होंगे आप। जान तो अच्छे तरह मैं जानता हूँ। आप मेरे गांव में प्रोग्राम, मेरे घर के पास आप प्रोग्राम करके गए हाँ हो बिल्कुल, करीबन मैं 2 साल। करती हूँ, क्यों नहीं करती हूँ, बिल्कुल। देखो मैं तो शुरू से ही देवनारायण भगवान के भी भजन गाती हूँ, गुजर समाज मुझे बहुत सपोर्ट करती है, एक बच्ची की तरह मानती है, नहीं, और मैं आप भी दिल से सपोर्ट करती हूँ गुजर समाज को, ऐसी बात नहीं है, सब किसी कौम के गाने गाती हूँ भैया मैं।
रानी जी आप बार बार लाइव आ रहे हैं, मैंने देख रहा है, मैं माफी मांग ले मंदराज, माफी मांग ली, इसलिए कि माफी मांगे तो हम कुछ नहीं समाज नहीं का माफी साथ तो नहीं कटेगा। है, मंदराज ने दो तीन चीजें गलत बोली है कि आप मेरे से जलती हो, ठीक है, आप मेरे से जलती हो, आप फ्लॉप हो गई हो, यूं हो गई हो, आप मेरे साथ गा के बताओ। देखो मैंने कभी किसी को चैलेंज नहीं किया आप मेरे कंपटीशन में उतरो, और देखो आप इसमें वो गाने का तो हमारे मैटर ही नहीं है ना, इसमें रानी का ऐसा तो कुछ मैटर ही नहीं है, ठीक है, इसमें समाज का, आज आपके समाज के लिए कोई गलत वर्ड गाएगा तो आप भी आपको सोगे कि भैया हमारे समाज के लिए आप ऐसा क्यों गा रहे हो, तो आप समझाओगे, यही चीज है। पर तो वो क्या आप दो तीन चीजें पर्सनली मैटर कर दिया उसने, तो उसने वो रानी अलग ही जी मुद्दा छेड़ दिया। मैं आपकी तो बड़ी शोभा कर रहा हूँ कि जैसे भीलवाड़ा जिले में रानी जैसे कोई सिंगर नहीं है, रानी जैसे कोई डांसर नहीं है, आप हमारे समाज का भी पैर काट रहे हो आप। नहीं, समाज के लिए तो भैया हम कुछ बोलते भी नहीं है, मेरे लिए तो छत्तीस ही कौम प्यारी है, ठीक है। अब वो नवरात्रि आ रही है, आपको मेरे गांव में देने का प्रोग्राम था। नहीं वो कोई दिक्कत नहीं, प्रोग्राम तो मैंने वैसे ही लिमिट में कर दिया, मैं बिजी रहती हूँ थोड़ी सी, ठीक है। दूसरी और मेरा यही कहना है कि चलो समाज भी अगर यहाँ बोलती है तो यही कि सोच समझ के बोलो आप लोग भी, क्योंकि गलती को गलती एक्सेप्ट करो, समझदारी की तो यही बात होती है, जहाँ गलती है तो वहाँ गलती एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। ऐसे नहीं कर सकते आपके, नहीं हमारी गलती नहीं है, गलती तो है, सामने दिख रही है, अभी तक तो किसी ने गाली गलौज किया नहीं है, ठीक है, मानती हूँ उन लोगों ने भी गाली गलौज नहीं की है, नहीं मंदराज किया, ने भी कोई गाली गलौज नहीं बोली, अभी बस नहीं वो बोल। एटीट्यूड के वीडियो डाल